में घिरना है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। राम हरि के युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की। देखिए आपने देखा इसको वीडियो को, ये देवबंदी मुफ्ती साहब हैं, अब कह रहा हूँ मुफ्ती साहिब, अब ये पता नहीं कि मदरसे के आगे पड़े हुए हैं या पीछे पड़े हुए हैं, ये तो अब आप इनकी ज़बान से खुद ही समझ चुके होंगे। मैं इनकी इस वाकई गुफ्तगू को सुन करके जो ये मुशायरे में पहुँचे हैं और इन्होंने जो राम के ताल्लुक से ये जो पढ़ा है, तो इससे मैं ये समझा कि आखिर वो करबला का वाकया कि जहाँ हज़रत इमाम हुसैन हक की खातिर खड़े थे, और सिर्फ यही नहीं कि खड़े रहे बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन मतीन की खिदमत की खातिर, उसको बचाने की खातिर उन्होंने अपनी भी कुर्बानी पेश की, और अहले बैत किराम की 72 नुफसाए कुदसिया की भी उन्होंने कुर्बानी पेश की। तो मुझे ये एहसास होता था, सोचता था, मैं कभी कभी सोचने पर मजबूर होता था कि आखिर वो कैसे लोग रहे होंगे कि जो यजीद के साथ खड़े हो गए इमाम हुसैन को छोड़ करके, समझ रहे हैं? मैं सोचता था इस बात को, मगर इनके इन बदमाशियों को देख करके कि ये चंद सिक्कों की खातिर इंसान अपने ईमान का सौदा कैसे कर देता, ये जब हमें अपनी निगाहों से देखना पड़ रहा, सुनना पड़ रहा, तो अब यकीन हो रहा है कि इन्हीं की नस्लों से ये भी हैं, समझ रहे हैं, कि जिन्होंने कि चंद सिक्कों की खातिर, हुकूमतों की खातिर हज़रत इमाम हुसैन जो आका के सच्चे नवासे हैं उनको शहीद कर दिया था, समझ रहे हैं? तो आप ये देखें कि क्या किस तरीके के कुफ्रिया कलिमात ये बक रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि देखिए 22 जनवरी करीब है, बहुत से मुसलमानों के हालात ये हैं कि वो बहुत से टोपी वालों को देखते हैं, जुब्बे वालों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आकर के वो सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन सही लोग हैं कि टोपी इनके सरों पर भी रखी हुई है, और जुब्बा दस्तार देखी जाए तो इनकी भी अच्छी खासी लंबी चोटी चौपी टोपी दस्तार हैं, तो लोग सस्पेंस में पड़ जाते हैं, कशमकश के आलम में हैं, आखिर के हक किधर है। तो मैं आपको सीधा सा बतला दूँ, देखिए उनका जो हो रहा है मामला, 22 जनवरी को वो अपने राम मंदिर की जो उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, वो उनका मजहबी मामला है। हालांकि हमें हाथ तकलीफ़ रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि जो कोर्ट का फैसला आया था वो सिर्फ उनकी आस्था की बुनियाद पर आया, मुसलमान खामोश रहे, कोई फितना फसाद नहीं होने दिया, कोई नहीं किया, सब्र कर लिया था, तहम्मुल से काम लिया था। मगर अब जब उद्घाटन का नंबर आया तो ये तो वो भी मानते हैं ना कि मस्जिद यहाँ पर थी, तो कम से कम इस भाईचारे को बनाने की खातिर कितने हमारे उस वक्त के लोग थे, उन्होंने ये बातें बोली थी कि एक मस्जिद दे दी जाए और फिर भाईचारे को ख़त्म ना किया जाए, आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहा जाए, कर लिया था मुसलमानों ने यही सोच करके, सब इस दिन के लिए तो नहीं किया था ना, जो आज वो क्या इस तरीके की आज देना पड़ रही है खबरें कि मुसलमान 20 तारीख से लेकर के 26 के बीच में जो रहें वो अपने घरों में रहें, सफ़र ना करें, या इसीलिए इसी दिन के लिए दिया था, खामोशी के साथ भी तो कर सकते हैं वो। तो इसलिए बहुत से किस किस तरीके की बकवासें करते नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसके ताल्लुक से एक आपको क्लिप दिखाता हूं छोटी सी, उसके बाद मैं हल्का सा तबसरा करूंगा, फिर आप खुद सोचिएगा और ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो बकवास कर रहे हैं, क्या ठीक है? आप सुने ज़रा इन साहिब को, देखें इनकी गुफ्तगू को, देखें किस तरीके से दलाली करते नज़र आ रहे हैं। देखा आपने इनका क्या कह रहे हैं, श्री राम हमारे नबी थे, पूर्वज थे। हाँ, ये बात है तो हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि ये देवबंदी मौलाना है, समझ रहे हैं कि इन्हें वली समझ में नहीं आते, नबियों की शान समझ में नहीं आती है, मगर हाँ इनके लिए से क्या कह रहे हैं, अरे खुद अपना अपने जहन्नम का ईंधन बन जा, खुद ही बन जाना, क्यों दूसरों को गुमराह करने के लिए इस तरह के मतालबे कर रहा कि सब माने। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क है, ये कौन सा मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर मुसलमानों को अपने मजहब के अनुसार, मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। ये तुम दलाली कर रहे हो, सब कोई दलाली तो नहीं कर रहे, इसलिए तुमने अपने ईमान के सौदे कर दिए हैं। तो बकवास क्या कर रहा है कि मुफ्तियों को ये फतवा देना चाहिए इनके, वरना इनके खिलाफ कुफ्र का फतवा दिया जाए, जो उन्हें राम को नबी ना माने।
इसलिए हम नबी मानते हैं उनको जिनको कुरान और हदीस ने नबी कहा है, समझ रहे हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को आप खूब समझ में आ रहा है हमारे कि वो वक्त क्या रहा होगा कि जो यजीद के साथ खड़े होने वाले लोग थे और इमाम हुसैन को तनहा छोड़ने वाले। मुसलमानों हौसला रखो, अपने ईमान की फिक्र करो, इस तरह के लोगों के ताल्लुक से देख करके अपने मुजब्जब मत बनो, अपने ईमान की फिक्र करो। यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कई सालों से हमने ये कुछ सीखा और समझा है कि ये ज़्यादातर वो लोग हैं कि जिन्हें सियासत में ज़रा सी रुचि हुई और चंद ज़रा सा कोई टुकड़ा इनको डाला और ईमान का सौदा कर बैठे। इसलिए मैं कहूँगा कि आम हमारे लोग इस तरह की बातें ना करें। 22 जनवरी को आपको क्या करना है, आपको अपनी नॉर्मल अंदाज में ज़िंदगी गुजारना। हाँ, मैं आपसे मुतालबा करता हूँ क्या कि अगर आप चाहते हैं 22 जनवरी को क्या करें, तो मैं आपको बतलाता हूँ कि आपको चाहिए कि आप मस्जिदों को भरिए और साथ ही साथ अल्लाह अल्लाहु अकबर की जो तस्बीह है, इस तस्बीह को 11,000 मरतबा हर इंसान पढ़ने का अहद करें, समझ रहे हैं। नहीं, और उसका सवाब अपने मरहूमीन को पहुंचाएं, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ में अपने दिल में ये अहद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन सुकून कायम फरमाए, शर पसंदों के शर से, फितना गरों की फितनेबाजियों से सबको महफूज मामून फरमाए। बाकी इनकी बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ईमान बड़ी बेशकीमती शय है, इसकी हिफाजत कीजिए। आप जानते हैं कि जो इंसान अपने ईमान की हिफाजत करने में कामयाब हो गया, समझ लीजिए वही कामयाब है। फमन ज़ुहज़िहान-नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये जो लोग इस तरह की बकवासें कर रहे हैं, इस पर तवज्जो कतान ना दें। मजहबी जो नारे हैं उनके, वो आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे कि उनके मंदिरों के आगे उनके पूर्वजों को मानना, उनके आगे झुकना शिर्क और कुफ्र, वैसे ही उनके मजहबी नारों को लगाना भी शिर्क और कुफ्र है। ये मेरा आप निचोड़ समझ लें गुफ्तगू का। अपने ईमान की हिफाजत करें, वो क्या कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन आप ज़्यादा अंधभक्त मत बनिए कि भाईचारे के लिए, भाईचारे के लिए ये नहीं किया जाता कि उनके मजहबी नारों को अपनाया जाए। भाईचारे के लिए आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो बहुत से तरीके हैं उसके, आप ये कर सकते हैं, मिठाइयाँ खिला सकते हैं अपने, समझ रहे हैं। अपने त्यौहार कोई आते हैं, उनका आता है, करे जाती हैं चीज़ें, बात समझ में आ रही है नहीं। लेकिन उनकी मजहबी चीज़ों को ना हम उनसे कह रहे हैं कि वो हमारी अपनाए, और ना ही हम ये कहते हैं कि आप उनकी अपनाइए। अल्लाह तबारक व ताला सबको दीन की समझ अता फरमाए।